नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद जो है ये वीडियो आने जा रहा है। कई दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं शायद, 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। असल में चक्कर ये है कि मेरे कंपनी में जो है अभी काम बहुत ज़्यादा है और आदमी जो है छुट्टी पे, एक आदमी भी छुट्टी पे है, तो हम लोग इधर आदमी कम है, जिसकी वजह से जो है हम लोग को जो है प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, काम भी थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर इस समय जो मतलब सीज़न ये है कि यार ठंडी हो नहीं रही है। अपने इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है सर्दी हो नहीं रही है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर काम अभी बंद नहीं हुआ है, काम लगातार चल रहा है। तो काम असल में इस समय इंस्टॉलेशन का ज़्यादा चल रहा है, इंस्टॉलेशन ही हम लोग कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैं कल वीडियो बनाने लगा था और मैंने आधी वीडियो बनाई और कल काम इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं वीडियो पूरी नहीं कर पाया। तो थोड़ा आप लोग का कुछ दिखाना भी था काम वाम के विषय में, और एक चीज़ ज़रूरी थी जो बतानी है, तो वो वीडियो कंप्लीट करूँगा मैं कल, हो सकता है तो फिर मैं वो अपलोड करूँगा आप लोग के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे आप लोग को कि दो भाई साहब ने जो है कमेंट किया, तो मैंने दोनों के विषय में आज जो है बताना है। तो एक भाई ने जो है पूछा था, यहाँ पर यूएई में, दुबई में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, तो इसके विषय में आज हम बताएंगे सबसे अच्छी यहाँ पर कंपनी कौन सी है। दूसरे भाई साहब जो हैं उन्होंने जो है कमेंट किया था कि 1 साल के डिप्लोमा करने के बाद उनकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो हालांकि मैंने कई वीडियो में ऐसा बताया है, लेकिन 1 साल के डिप्लोमा के बाद में आपकी सैलरी में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी ये सब जो है आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, और यहाँ की वीडियोज़ में इसी तरीके की बनाता रहता हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ जानकारी जो भी आप लोग पूछते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसी ही कोई जानकारी आप लोग भी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं जो है उसका वीडियो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, और आप लोग को जो है आज मैं इस विषय में बताने जा रहा हूँ कि यहाँ की सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है और 1 साल के डिप्लोमा के बाद में आपकी सैलरी में क्या फ़र्क होगा यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि जो है यहाँ पर सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है यूएई में। दुबई का छोड़ो, यूएई की बात करते हैं, जो कि पूरा यूएई, जिस कंपनी की ब्रांचेज जो हैं हर सिटी में है, तो वो कंपनी के विषय में सबसे पहले आप लोग को बताऊँगा मैं। क्योंकि मतलब बड़ी कंपनी तो वही होगी, मतलब अच्छी कंपनी वही होगी जो सबसे बड़ी हो और सैलरी वगैरह टाइम पे देती हो, तो ड्यूटी वगैरह उसका सिस्टम हर चीज़ सही हो। तो उस कंपनी का नाम है भैया जुमा अल माजिद, जुमा अल माजिद। इस कंपनी में जो है बहुत ज़्यादा आदमी काम करते हैं, और इस कंपनी के ब्रांचेज जो हैं हर एक सिटी में आपको दो दो तीन तीन ब्रांचेज आपको मिल जाएंगी। दुबई है, शारजा, अजमान, अबू धाबी, फजीरा, रसल खेमा, हर जगह मिलेंगे। और एक एक ब्रांच नहीं, ये मतलब हर सिटी में जो है दो दो तीन तीन ब्रांचें मिल जाएंगी, जिस हिसाब की मतलब सिटी है, बड़ी है छोटी, उसी हिसाब से इसकी ब्रांचें मिल जाएंगी। तो सबसे बड़ी कंपनी यही है भैया मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जो है बंदे भी बहुत ज़्यादा है, और इससे भी बड़ी होंगी, लेकिन मतलब अच्छी मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी यही है। बड़ी भी हो सकता है, इससे बड़ी भी हो, लेकिन अच्छी कंपनी जो है यही है। आप लोग इसमें अप्लाई भी कर सकते हो, इनकी एक वेबसाइट आती है, तो उसको मैं जो है किसी और वीडियो में आप लोगों को वेबसाइट बताऊंगा, जिससे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उस कंपनी में। और कंपनी तो बहुत सारी मतलब जगह जगह पे यहाँ पर छोटी छोटी कंपनी है, लेकिन सबसे अच्छी जो कंपनी मुझे यही लगी थी, मैं इसमें गया था अप्लाई करने के लिए, लेकिन उस समय जो था तो फिर मेरे पास टाइम भी उतना नहीं था, 10 दिन का मेरे पास टाइम था, वीज़ा ख़त्म होने वाला था, मैं 10 दिन पहले गया था, इसीलिए जो है मेरा वहाँ पर कुछ सिस्टम बन नहीं पाया। तो अच्छी कंपनी मैंने आपको बताई भैया यही है जुमा अल माजिद। और इसके अलावा आप लोग को बताता हूँ 3-4 ऐसी कंपनियाँ जो कि और भी हैं। एक है ओ जर्नल, जिसमें आपको मीडिया के ऐसी देखने को मिलेंगे, और भी तो ओ जर्नल कंपनी भी जो है बड़ी है, इसकी भी जो ब्रांचेज हैं वो जो है हर जगह पे हैं, हर सिटी में है, और इसमें सैलरी भी ठीक ठाक हर आदमी को मिलती है, हर वर्कर को सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है, ड्यूटी की टाइमिंग जो है वो भी बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से वो जनरल कंपनी भी बहुत अच्छी है। तो इसके अलावा आपको एक और कंपनी जो दुबई में है, अल हादी कंपनी, ये भी बहुत अच्छी है। और इस तो मतलब ऐसी आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी यहाँ पर, जो कि एक ही सिर्फ एक ही सिटी में है,
वो कंपनियां बड़ी भी हैं लेकिन उनका उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है और अच्छी कंपनी है। तो मैंने आपको ये मतलब दो कंपनियां बताई हैं जो कि इनकी ब्रांचेज जो है हर जगह मौजूद हैं। तो अब बात करते हैं भैया, 1 साल के डिप्लोमा के बाद आपकी सैलरी में क्या फ़र्क पड़ेगा भैया? 1 साल की सैलरी में, सॉरी, 1 साल के डिप्लोमा में आपका कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल के डिप्लोमा से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यार देखो, जो लोग पॉलिटेक्निक करते हैं, आईटीआई करते हैं, आईटीआई से अच्छा जो है पॉलिटेक्निक, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो वो होता है 3 से 4 साल का, जिसमें आपका वो मतलब एक इंजीनियरिंग होता है जिससे आप एक इंजीनियर हो जाओगे, ठीक है? तो 1 साल के डिप्लोमा के बाद आप इंजीनियर नहीं हो पाओगे, काम करने की ही लेवल में आप रहोगे। तो 1 साल के डिप्लोमा के बाद आपकी सैलरी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का डिप्लोमा, अगर आप कहीं किसी ऑफिस में जाओगे, भैया मेरे पास 1 साल का डिप्लोमा है, तो वो लोग ले लेंगे, लेकिन उस जो है डिप्लोमे का जो है मेरे हिसाब से कोई यहाँ पर मतलब उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता भैया। 1 साल का डिप्लोमा जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास आईटीआई है या फिर पॉलिटेक्निक है या बीटेक है, तो वो इंजीनियरिंग आ जाएगा, उसमें आपको सैलरी ठीक ठाक मिलेगी, आपको मतलब नॉर्मल सैलरी से थोड़ा ऊपर और अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास भैया 1 साल का डिप्लोमा है, तो 1 साल से आपका यहाँ पर कोई भला नहीं होने वाला। हाँ, ये है कि आप काम सीखोगे, 1 साल का डिप्लोमा है तो आपका काम इंडिया से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपकी सैलरी में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। कोशिश करूँगा कि ये रोज़ वीडियो डालूँ, काम बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये रोज़ वीडियोज़ डालूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।